अस्सलाम वालेकुम। 10th जनरल साइंस बाब नंबर 7 एनर्जी। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 12 करना है, जिसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा हम करेंगे, मज़ेदार पर नोट लिखें। अलिफ जुज है न्यूक्लियर फ्यूल से लाख खतरात। अब न्यूक्लियर फ्यूल से जो खतरात हमें लाख हैं वो दर्जा ज़ैल हैं, रेडिएशन की लीकेज, मोहलिक जल्दी अमराज, न्यूक्लियर रिएक्टर का हादसा, न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाना का मसला। रेडिएशन के ख़तरात से बचाव के लिए ज़रूरी इकदाम भी आज हम स्टडी करेंगे। हमारा पहला पॉइंट था रेडिएशन की लीकेज। तरक्की याफ्ता मालिक में इलेक्ट्रिसिटी के हसूल के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी के हसूल में रेडिएशन के अखराज के इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रेडिएशन से मुराद अल्फ़ा बीटा और गामा रेज हैं, जिन एलिमेंट से रेडिएशन खारिज होती है इन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का ईंधन रेडियो एक्टिव होता है, ऐसे ईंधन को संभालने, स्टोर करते और इस्तेमाल करते हुए रेडिएशन की लीकेज का ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता है। जो लोग रिएक्टर्स के आसपास काम करते हैं वो इस ख़तरे की जद में रहते हैं। और अगला है जी, मोहलक जल्दी इमराज। रेडिएशन जानदारों के सेल टिश्यू जीन्स पर असरानंदाज होकर उनकी हायत यानी शक्ल तब्दील करने की सलाहियत रखती हैं। इससे जल्द की बीमारियां और कैंसर जैसे मोहलक मर्ज लाख हो सकते हैं। हमारा अगला, न्यूक्लियर रिएक्टर का हादसा। न्यूक्लियर रिएक्टर में मामूली हादसा भी ख़तरनाक साबित होता है। 1986 में चेर्नोबिल रूस के एक रिएक्टर्स का कूलिंग सिस्टम फेल हो गया था। चंद ही मिनटों में ख़तरनाक धमाके से रिएक्टर की छत उड़ गई और फ़ज़ा में रेडियो एक्टिव गैस के बादल छा गए। इस हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में बहुत से लोग कैंसर में मुबतला होकर मौत का शिकार हो गए। और हमारा चौथा था इसका, न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाने का मसला। इस्तेमाल शुदा न्यूक्लियर फ्यूल भी कुछ रेडिएशन खारिज करता रहता है, इसे न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। रेडिएशन से बचाव के लिए न्यूक्लियर वेस्ट को हिफाजत से ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके मुख्तलिफ तरीके अख्तियार किए जाते हैं। इन तरीक़ों में ज़मीन के नीचे गहराई में सुरंगें खोदकर इसे दफन करना या कंटेनर में सील बंद करके समंदर की तह में रखना वगैरह शामिल है, लेकिन कोई भी तरीका मुकम्मल तौर पर महफूज ख्याल नहीं किया जाता है। एक राय ये है कि ऐसे मटेरियल को शीशे के ब्लॉकों में फ्यूज़ करके रखा जाए। एक और तजवीज़ ये है कि न्यूक्लियर वेस्ट को रॉकेटों में भरकर खला या दूसरे सियारों में भेज दिया जाए, या इन्हें सूरज की तरफ रवाना कर दिया जाए। लेकिन इसमें खदशात मौजूद हैं कि कहीं रॉकेट ज़मीन की फ़ा में ना फट जाएं या ये ज़मीन पर वापस ना आ जाएं। रेडिएशन के ख़तरात से बचाव के लिए इकदाम। रेडिएशन के ख़तरात से बचाव के लिए ज़रूरी है कि काम करने वाले रेडियो एक्टिव माखज़ से दूर रहें, ऐसे जैसे कि मोटी दीवार वाले कंटेनर में रखे जाएं। ऐसे मटेरियल मोटी दीवार वाले कंटेनर में रखे जाएं क्योंकि सीसा रेडिएशन को बाहर निकलने से रोकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के गिर्द मोटी कंक्रीट की दीवारें बनाई जाएं और न्यूक्लियर वेस्ट को नहायत महफूज तरीके से ठिकाने लगाया जाए। बच्चे, आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।